किन मांग को लेकर आप यहाँ पे आए? आज हम गांव नंगथला से आए हैं यहाँ पे, और कल दो तीन दिन पहले जो बीमा राशि है उसको जो क्लेम था उस किसानों के खातों में आया है, वो राशि बहुत कम है। जैसे कि अगर हम बताएं आपको, 4,000 से 5,000 के बीच में आई है वो पर एकड़ के हिसाब से, जिसमें से 1,700 रुपये किसान का प्रीमियम है 5%, और 10% सरकार देती है कंपनी को, 15% प्रीमियम को लगाएं वो भी 5,000 से ज़्यादा होता है। और हमारा जो नुकसान हुआ है कपास के अंदर वो 70% से भी ज़्यादा है, और उसकी ADO की रिपोर्ट भी हमारे पास में वो लेके आए हैं हम। उन्होंने कहा है कि मुआवजा उसके अनुसार आपका 20,000 के आसपास आना चाहिए, लेकिन हमें मिला है 4,000 रुपये। तो उसके लिए हम जानने के लिए आए हैं कि हम कहाँ पे ये गड़बड़ी हो रही है, कि किसानों को ना तो कोई जानकारी दी जाती है कि आपका कितना क्लेम आया है कितना नहीं आया है। हमने 7 महीने हो गए हमारे को प्रीमियम जमा किया हुआ, लेकिन कंपनी क्या करती है, पिछली बार भी यही किया, 3,000-4,000 रुपये 5,000 रुपये जमा करा देते हैं वो, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। कंपनी के अधिकारियों से जब बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि आपका जो क्लेम था वो आपको मिल गया है। तो उसके लिए आज हम ज्ञापन यहाँ पे सौंपने आए हैं, और उसी के बारे में आगे हमारे मास्टर जी आपको बताएंगे। आपका नाम? अजी। आप क्या कहना चाहोगे सर आगे की क्या कार्रवाई? सर आगे की कार्रवाई ये रहेगी, हम सबसे पहले तो परसों हमारी गांव में पूरे किसानों की मीटिंग हुई थी, उसमें एक बात रखी गई थी भाई हमें क्या करना चाहिए जो कम बीमा आया है। तो हमारे अकुलाना हल्के के विधायक अनूप दानक जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा भी ठीक है DC मैडम और तहसीलदार उनसे बात करके आपको बताते हैं। आज उनसे बात हुई तो उन्होंने कहीं मीटिंग में बिजी थे, फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन आज हम DC मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो ये किसानों के नाम किसानों के साथ जो राजनीति होती है, धोखाधड़ी होती है, उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमारे जो 1700 पर एकड़ का प्रीमियम तो कट गया और एक साथ कट गया सभी का। मान लो मेरे 4 एकड़ का कटा है तो जो 6500-6800 रुपये एक साथ कट गया, लेकिन अब जो बीमा राशि है वो मेरे को टुकड़ों में करके दे रहे हैं। अभी 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से डाली है, कह रहे हैं आपका 15,000-16,000 रुपये पास हुआ है, तो आपकी 2 किस्तें और आएगी, वो मार्च के अप्रैल में कब आई वो हम कह नहीं सकते। ADO साहब से बात हुई है, तो हमारा तो सरकार से यही अनुरोध है कि किसानों की आय दुगनी ऐसे नहीं होगी सर, जमीनी स्तर पे आके किसानों के साथ बैठ के देखो, किसानों के साथ खाना खा के देखो, और किसानों के साथ खेत में काम करके देखो भाई किसान क्या बचाता और क्या लेके जाता है। लास्ट दिन किसानों ने अपनी ज़मीनें हैं जो सरकार ने KCC करवा के अपने पास पहले ही कब्जे कर ली है, और जो किसान फसल बो रहे हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आता है कभी देखे हैं? आज इस बार जो बारिश से जितनी फसल खराब हुई है हमारे को, सर रोना इस बात का आता है कि इस बार हमारे को फसल चुगने वाली हमारे को चुगाई नहीं मिली, और हमने प्रत्येक बिना फसल के होते भी 350-400 रुपये में हम दिहाड़ी पे ले गए बंदे को, और अपनी वो कोड़िए थे ना उसको तोड़ तोड़ के। और सबसे ज़्यादा तो इस बार दर्द इस बात का है कि हमारे घर में बुजुर्ग जिनको हमने आराम करवाया था, क्योंकि हमारे को दिहाड़िए नहीं मिल रहे थे उस कोड़िए को निकालने के लिए, और उनको हमने लगाया टिंडे तोड़ के दिए भी बाबा बैठ के यहाँ निकाल ले, और वो निकाला, और हमारे साथ ये किसान सरकार धोखाधड़ी कर रही है कि मुआवजे की राशि हमारे से बीमे की जो राशि काट लेती है, और बीमे के नाम पर किसानों को 5,000-10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दे रही है। ये भद्दा मजाक सरकार छोड़ दे, और किसानों की अगर आय सच में दुगनी करना चाहते हैं, मैं तो एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर सरकार किसानों की आय दुगनी करना चाहती है ना, तो किसानों के साथ ग्राउंड लेवल पर आगे बात करें। खाली ऑफिसों में बैठने से और अधिकारियों के कागज पेलने से किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। किसानों के सर के ऊपर कितना कर्जा है, आज हाथ का कट्टा जो हमारे को 400 रुपये में मिलता था DAP, उस DAP का रेट उन्होंने 1300 रुपये कर दिया, और यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगती है, और वो भी आधार कार्ड पे कर दी किसान सरकार ने। भाई आधार कार्ड लाओगे 2 कट्टा देंगे 1 कट्टा देंगे, और वो भी पुलिस के साये में बंटवाती है। तो ऐसे आय दुगनी नहीं होने वाली किसानों की। सरकार अगर सच में आय दुगनी करना चाहती है तो किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हो, जमीनी सतर के ऊपर आके देखे, और अधिकारियों के साथ खिंचाई करे कि ये जहां गड़बड़ हो रही है, जो बीमा कंपनी गड़बड़ कर रही है कि एक गांव का मुआवजा पूरा देती है और एक गांव का मुआवजा अधूरा देती है, उन गड़बड़ करने वाले कर्मचारियों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। विनोद कुमार।
सर आप क्या कहना चाहोगे, आपने सर्वे रिपोर्ट मांगी है अधिकारियों से? देखो जी, हम मैं एडीओ साहब से मिले थे। कौन सा एडीओ साहब? नाम अग्रवाल, अग्रवाल एडीओ साहब। तो उनसे हमने बातचीत की थी जी, तो उन्होंने हमारे को नुकसान का जायजे के बारे में बताया था, जो हमारे गांव का नुकसान लगभग 70% के करीब है। और उन्होंने बीमित राशि हमारे को 20,000 रुपये बताई, 20,000 बीमित राशि बताई है। लेकिन ये बीमा राशि आनी तो चाहिए 2 महीने पहले, चलो मार्च तक भी, एंड तक भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये राशि हमारे को एकमुश्त योजना में नहीं मिली। पिछली बार हमारे गांव का 7,000 रुपये बीमा आया था, अब की बार भी वो भद्दा मजाक फिर कर दिया। यानी कि किसी किसान के खाते में 4,000 रुपये आ रहे हैं, किसी के 5,000 रुपये आ रहे हैं, किसी के 3,300 रुपये आ रहे हैं, किसी के 2,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से ऐसा बीमा आया है जी। तो आप क्या मांग करते हैं? और आगे हम ये मांग करते हैं, जो रिलायंस कंपनी जो बीमा कर रही है, उसके बीमा जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही गलत है जी। वो एक तो मुफ्त योजना में बीमा राशि नहीं दे रही, ठीक है, और एक मुफ्त योजना में बीमा का जो क्लेम है वो काट लेती है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से काट लिया था। हमारी जो गेहूँ का, जो गेहूँ की फसल है, उसका बीमा उसने अभी काट लिया, और कभी गेहूँ का बीमा देती भी नहीं है। एक ये जो जो अपना जो कपास का बीमा है, यो ही देती है। इसी के अंदर अब की बार 70% से लगभग फसलें खराब हो चुकी हैं, मतलब फसलें खिली नहीं, बिल्कुल ऊपर ही सूख गई थी जी, पानी के माध्यम से इतनी जल भराव हो गया था। तो बीमित राशि हमारी 20,000 रुपये बन रही है, हमारे को दे रहे हैं टुकड़ों के अंदर। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा है जी, गांव नंखला से बिलोंग करता हूँ।